हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का प्लान कुछ ऐसा है। अभी मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है। सो फ्रेंड्स, हम अभी घर आ गए हैं ड्यूटी अपनी पूरी करके। 8 बजे हम घर पहुंचे, तो मेरे को नींद लग रहा था कस के, तो मेरे को लगी थी भूख। तो हम बोले चलो पहले कुछ बना के खा लेते हैं, उसके बाद सोएंगे, क्योंकि एक बार सो जाने के बाद फ्रेंड्स फिर उठने का मन नहीं करता, बहुत दिक्कत होती है उठने में। तो इसलिए हम बोले चलो कुछ बना लेते हैं, खा लेते। तो हम वही डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या बनाएं, तो फाइनली हम ये डिसाइड कर लिए हैं कि हम जा रहे पोहा बनाने। पोहा बना के खाएंगे, फिर उसके बाद सोएंगे। तो हम सोचे चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते, आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम पोहा ले लिए हैं, इसको जल्दी से धो देते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स में नींबू डाल देते हैं, क्योंकि नींबू डालने से इसका टेस्ट चटपटा हो जाएगा और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, पोहा को मिक्स कर दिए हैं। अब मिक्स करके इसको रखते हैं साइड में, कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसके बाद मूँगफली फ्राई करते हैं। और इसमें डालते हैं सरसों का तेल। फ्रेंड्स, मूंगफली को अभी हम फ्राई कर रहे हैं। मूंगफली फ्राई हो चुका है फ्रेंड, अब इसको निकाल देते हैं। एक छोटा प्याज ले लिए फ्रेंड, प्याज भी डालना पड़ेगा, प्याज डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। छोटा महीन महीन काट देते हैं, प्याज काट दिया। अब चलिए प्याज को फ्राई करते हैं। एक बीट भी ले लिए, बीट को भी डाल देंगे, क्योंकि देखते हैं बीट डालने के बाद टेस्ट कैसा लगता है, और ये तो हैवी प्रोटीन वाली चीज़। फ्रेंड, एक टमाटर लिए हैं, उसको भी काट के सरसों डाल देते हैं इसमें, और प्याज डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डाल देते हैं। अब एक बार इसको मिक्स कर देते हैं। प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें बीट और टमाटर काट के डाल देंगे, फिर उसको थोड़ा देरी फ्राई करने के बाद मूँगफली डाल देंगे, फिर उसके बाद पोहा डाल देंगे। ये हम बीट डाल दिए, अभी टमाटर काट के डाल दिए फ्रेंड, हम मूँगफली डाल देते हैं इसमें। तो फाइनली फ्रेंड, इसमें हम पोहा डाल देते हैं। अब सो फाइनली फ्रेंड, देख सकते हैं मेरा पोहा बन के हो गया है रेडी। अब इसको थाली में डालते हैं, फिर इसको थोड़ा सजाते हैं, फिर उसके अंदर पेट के अंदर इसको डालते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट बताते हैं कैसा है फ्रेंड। तब तक वीडियो में आप लोग कंटिन्यू रहिए। सो फ्रेंड, अब थोड़ा बना लेते हैं हम लोग ब्लैक टी, क्योंकि पोहा के साथ चाय मजा आएगा। थोड़ा डाल देते हैं अदरक, एक डाल देते हैं तेज पत्ता। फ्रेंड्स, मेरे को ब्लैक टी में तेज पत्ता डाल के पीने में बहुत मजा आता है। आप लोग में से कौन कौन ऐसे पीता है प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइए। फ्रेंड्स, चाय भी मेरा बन के रेडी हो गया, अब इसको जल्दी से छान लेते हैं, छान के फिर उसके बाद खाते हैं और पीते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का नाश्ता, पोहा टोस्ट ब्लैक। फाइनली मेरा पोहा बनने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइए कैसा दिख रहा है। फ्रेंड्स, चलिए टेस्ट करके हम बताते हैं कि मेरा पोहा जो हम बनाया है वो कैसा बना है। फ्रेंड, टेस्ट की बात करूं तो मेरा पोहा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, शायद ये बीट डालने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया है। हम क्योंकि फर्स्ट टाइम ही इसमें बीट डाले, तो आप भी एक बार बीट डाल के ट्राई करिए कि कैसा बनता है। फ्रेंड, चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। फ्रेंड, मिलते हैं चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग।